लुधियाना विखे खेडां वतन पंजाब दियां दी हो चुकी है शुरुआत। 12 तो लैके 22 सितंबर तक चलेगा खेडां दा एह महाकुंभ, जिथे की हर उम्र वर्ग दा खिडारी लै सकदा है हिस्सा। लुधियाना विखे खेडां वतन पंजाब दियां दे तहत अगले पड़ाव दी अज तो शुरुआत हो चुकी है। लुधियाना आम आदमी पार्टी दे विधायकां दे वल्लों खेडां दी शुरुआत करवा दित्ती गई है, जिथे कि 12 तो लैके 22 सितंबर तक इह खेडां चलणगियां। किसी भी उम्र के लड़के और लड़कियां इन्हां खेडां दे विच हिस्सा लै सकदे ने। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम तो इसकी अज तो शुरुआत भी हो चुकी है। जी की खेडां दे विच असीं बच्चों अथलैटिक कबड्डी ते खो खो खड़ाउने जी। अच्छा, जिहड़ी इह खेडां वतन पंजाब दी शुरू हुई है, सो किस तरह दा उत्साह हैगा किन्ना कर? ये देखो जी, जिवें नवीं सरकार बनी है उस हिसाब नाल ना ये बहुत वधिया उपराला किया गया, क्योंकि पहली बार होया भी किसी होर लीह तों हट के इन्होंने नवे इवेंट स्टार्ट करे ने, जिहदे विच कि जिहड़े नवे बच्चे ने उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल एक उत्साह मिल रहा, क्योंकि उन्होंने हजे तक यह नहीं पता सीगा भी असीं किवें पार्टीसपेट करना, कि गेम च पार्टीसपेट करना। इत्थे उन्होंने ये देखने आया भी जिहड़े इवेंट बारे उन्होंने पता भी नहीं सीगा ते उहदे विचों पार्टीसपेट कर रहे हैं ते उहदे विचों जित रहे हैं, तो इस तरह उन्होंने उत्साह आ जो पहला ब्लॉक लैवल से जित के आए हैं मुंडे कुड़ियां जिहड़ी भी गेम के हूँ वह इतने अपने डिस्ट्रिक्ट लैवल से खेल रहे हैं। लगता है कि प्रफुल्लित होकर बच्चों को एक वधिया प्लेटफॉर्म मिलेगा जी। हाँ जी, जेकर यह इदा ही कंटिन्यू रहेगा तो जरूर साडे बच्चे अगे आने, क्योंकि देखो हरेक कोई भी हैगा तो उत्थे जेकर बच्चों किसी भी अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता तो वह उत्साह बढ़ता तो वह चीज़ अगे बढ़ती है जरूर। इस पड़ाव के तहत बैडमिंटन, कबड्डी, सर्कल स्टाइल कबड्डी, कुश्तियां, हॉकी, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और सॉफ्टबॉल सने होर भी बहुत सारिया खेडां कीतियां जाणगियां शुरू। जी हाँ, इस संबंधी शलाघा करते हुए लुधियाना तो आम आदमी पार्टी के MLA अशोक पराशर पप्पी ने कहा है कि यह एक चंगा उपराला है, इस नाल विद्यार्थी खेडां दे वल प्रेरित होणगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब दे विच जो नशे का कोहड़ फैलिया होया है उसके उपर भी लगाम लगेगी। उन्होंने इस मौके पर होर की कहा है, आओ सुनते हाँ। ये जड़िया खेडा ने खेडो वतन पंजाब दियाँ साढ़े मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत मान जी का एक सपना वा भी वो पंजाब के गभरू जड़े अज तो 20 साल पहला इतने जवानी देखी जाती सी और किसानी देखी जाती सी और गभरू खेडते देखे जाते सी मैदानों के जेडे पिछले 15-20 साल तो ये घट देखने हो गया सी। अज पंजाब दे गभरुआं दा नाम जां पंजाब दे बच्चियां दा नाम किसे होर गल ना जोड़ के देखिया जांदा, ये साडे मुख्यमंत्री साहब दा सपना वा कि उहो जिही गभरू दुआरा पैदा करके उही साडियां कुड़ियां धीआं मठियारां जिहड़ियां पंजाब दा नाम और पंजाब दी शान सी उही दुआरा तुहानूं देखण नूं मिलूगियां। अज लुधियाणे दे स्टेडियम दे अंदर असीं आए हां, देखो बच्चियां च किन्ना उत्साह वा, क्योंकि जदों राजा प्रजा नूं तगड़ा करन वाला होवे तां अपने आप प्रजा तगड़ी हो जांदी है, जदों पिछलियां सरकारां जिहड़ियां रहियां ने उहनां ने कोई स्पोर्ट्स वल देखिया नहीं गा, इस करके बच्चे साडे भड़क गए सीगे। अज साडे बच्चे देखो दुबारा उस ग्राउंडां दे विच, मैनूं भी बहुत खुशी हुंदी अज देख के, मैं पिछले हफ्ते भी आया सी इस ग्राउंड दे विच, छोटे छोटे बच्चों का उत्साह वा, ये आने वाला देश का भविख है, इस करके ये जिहड़ियां खेडां हो रही हैं तुहानूं दुबारा उही रंगला पंजाब, हसदा पंजाब, जिहड़ी पंज दरियावां दी धरती पंजाब, वो देखण नूं मिलूगी। उधर दूजे पासे खिडारियों ने भी इन्हां खेडां नूं लैके उत्साहित होके जाहिर कीती है गलबात की। उन्होंने कहा है कि वह कबड्डी खेडण आए ने अते काफी ज्यादा उत्साहित ने। उत्थे ही दूजे पासे उन्होंने कोचेस साहिबान ने कहा है कि सरकार का एक बहुत वधिया उपराला है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना करके विद्यार्थी मोबाइलों दे विच ही रुझे रहे ने, पर हुण सरकार ने इस दी शुरुआत कर दिती है। उन्होंने कहा कि इस विच वड्डी गल इह है कि हर उम्र का खिडारी इस विच खेड सकदा है। उन्होंने यह भी कहा है कि खुद भी खेडां दे विच शामिल हो रहे हैं, उन्होंने ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾ ਸਰ। ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ, 19 ਸਾਲ, 17 ਸਾਲ, 21 ਸਾਲ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡਸ।